जामतारा के नारायणपुर थाना इलाके में चीरूडी गांव के 5 अनुसूचित जाति परिवार के सदस्य समाहरणालय पहुंचकर न्याय के लिए गुहार लगा रहे हैं। आरोप है कि गांव के कुछ एक दबंगों ने उनके जमीन व घर पर अवैध कब्जा जमा लिया है। आज ये लोग शरणार्थी की तरह समाहरणालय में जमे हुए हैं। करीब 2 घंटे बाद अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने उनकी समस्या सुनी और उन्हें अंचलाधिकारी के पास जाने को कहा, लेकिन ये लोग इतने डरे सहमे हैं कि उन्हें अब गांव जाने में भी खतरा महसूस हो रहा है। इस दौरान पीड़ित कालीपद तूरी ने बताया कि गांव के ही कुछ लोगों ने उनके इंदिरा आवास पर भी कब्जा कर लिया है। इतना ही नहीं, गांव जाने पर इन्हें मारने की धमकी मिल रही है। इधर अनुमंडल पदाधिकारी संजय पांडे ने कहा कि नारायणपुर के अंचलाधिकारी और थाना प्रभारी को निर्देशित किया जा रहा है कि वे चीरूडी गांव पहुंचकर मामले की छानबीन करेंगे। साथ ही अगर जबरन किसी ने इन लोगों की जमीन पर कब्जा जमाया तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। बाबू हमने घर से बेघर कर दिलो, सब मियां लोग एकदम जगह हड़प ले, हमने घर से धक्का मुक्का दे के बाहर कर दिले। अभी संज्ञान में आया है, ये लोग जो बता रहे हैं कि इनका घर बना हुआ था या इनकी जमीन है, बहुत स्पष्ट नहीं है, पर जमीन इनकी थी, इनको कोई निकाल दिया है। तो सीओ को बोला गया है, वो केदार जी अभी जांच करेंगे इसका, तो इनको नारायणपुर भेजा जा रहा है। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।